हेलो फ्रेंड, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओए फूड कॉर्नर। आप लोगों ने डोसा ज़रूर खाया होगा और बहुत से लोगों ने मसाला डोसा भी खाया होगा। तो मसाला डोसा का मसाला कैसे बनता है, आज हम वही रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, मसाला डोसे का मसाला बनाना। तो सबसे पहले आपको एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाता है तो मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़े से मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के दाने, थोड़ा सा जीरा, चॉप कटिंग किया हुआ अदरक, हरी मिर्च आप बारीक भी डाल सकते हैं, लंबी लंबी काट के भी डाल सकते हैं स्लाइस कटिंग। और उसके बाद मैंने ऐड किया है कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च और उसके बाद स्लाइस कटिंग किया हुआ प्याज को ऐड कर देना है। इन सबको अच्छे से सॉटे कर लीजिए। जब कुछ इस तरह से लाइट ब्राउन हो जाता है प्याज, मैं इसमें ऐड करूंगा हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने आलू को पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है और उन आलू को इसमें ऐड कर देना है। आप चाहें तो आलू को मैश कर भी कर सकते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए इनको। बहुत से लोग इस आलू को मैश कर लेते हैं, ऑप्शनल है, जैसा आप चाहें। ये देखिए अच्छे से मैश करने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर देना है। ये आपका देखिए मसाला जो है बन के तैयार हो चुके हैं। जो हम लोग मसाले डोसे में मसाला बनता है यही मसाला है। बहुत ही सिंपल रेसिपी थी। सो फ्रेंड, आप लोग इस रेसिपी का आनंद लीजिए। मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। Thank you for watching.